हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 22। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उससे बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, थ्री आर फेसिंग आउटसाइड एंड रेस्ट आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वॉट इज द पोजिशन ऑफ जी, वॉट इज द पोजिशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके उसने हमसे बोला कि टोटल आपके पास 8 पर्सन है जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 लोग कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और बाकी के लोग कहाँ देख रहे हैं, वो टूवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें पोजीशन बतानी है किसकी, सी की, विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, ए से। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने हमें क्या बताया, उसने बोला है कि पर्सन फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट। ओके जो पर्सन बाहर की तरफ देख रहे हैं वो एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ओके बी कहाँ पर है, बी सेकेंड टू द राइट है किससे, सी से, और सी कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है किससे, जी से। ठीक है, उसके बाद पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ इज फेसिंग आउटसाइड। ओके वो पर्सन जो कि इमीडिएट राइट में है किससे, एफ से, वो कहाँ देख रहा है, वो बाहर की तरफ देख रहा है। उसके बाद ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ओके उसने बोला कि ए कहाँ पर है, ए थर्ड टू द राइट है किससे, ई से। ओके और ई कहाँ पर है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, ई सेकेंड टू द राइट है किससे, एफ से। ठीक, उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ डी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ओके जो दोनों नेबर्स हैं किसके, डी के, वो कहाँ देख रहे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इससे देखें हम इससे क्या क्या बना सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहें तो देखिए जो एफ़ का नेबर है वो कहाँ देख रहा है, वो बाहर की तरफ देख रहा है। और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपके पास कोई भी दो पर्सन जो बाहर की तरफ देख रहे हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब एफ़ कहाँ देख रहा होगा, टूवर्ड द सेंटर देख रहा होगा, इतना तो आपको कन्फर्म हो गया। ये कहाँ देख रहा होगा, बाहर की तरफ देख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं ई को बनाना चाहता हूँ तो मैं ई को यहाँ पर बना सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं ए को बनाना चाहता हूँ तो कहाँ पर बनेगा, देखिए ये कहाँ देखिएगा, ये अंदर की तरफ देखिएगा। और फिर मैं अगर ए को बनाना चाहता हूँ तो ए आपके पास यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इतना आपको कन्फर्म है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके पास अब यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इन दोनों को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपके पास इनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली कंडीशन को और लिख लेते हैं। देखिए आपके पास सेकेंड कंडीशन में उसने क्या बताया हमें कि बोथ द नेबर्स ऑफ ई आर फेसिंग आउटसाइड। ओके जो दोनों नेबर हैं किसके, ई के, वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ओके और उसके बाद पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी इज फेसिंग टू द आउटसाइड। ओके जो इमीडिएट लेफ्ट में डी से, वो कहाँ देख रहे हैं, वो भी आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ओके उसने बोला कि सी कहाँ पर है, वो थर्ड टू द लेफ्ट है किससे, डी से, डी से थर्ड टू द लेफ्ट है सी। ठीक है, और डी कहाँ पर है, वो सेकेंड टू द राइट है किससे, बी से। ठीक है, उसके बाद बोथ द नेबर्स ऑफ एफ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। एफ के जो दोनों नेबर्स है वो कहाँ देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम बात करें तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों का यूज़ करता हूँ तो हम क्या बना पाएंगे। देखिए अगर मैं सी का यूज़ करता हूँ, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ठीक है, ये देख रहा है बाहर की तरफ, एफ यहाँ पर, ये देख रहा है और अंदर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, ये का देखिएगा, देखिए ई के जो दोनों नेबर्स है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो ये देखिएगा अंदर की तरफ। ठीक है, और अगर हम एफ़ की बात करें तो देखिए दोनों नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो ये का देखिएगा अंदर की तरफ देखिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए आपके पास दो पर्सन हो गए जो कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपके पास इन दोनों में से कोई एक पर्सन होगा जो कि कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ देखेगा। ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ, ये कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। सिमिलरली इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ। मान लेते हैं ये कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ, ये कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम पुट करना चाहते हैं यहाँ पर इनकी पॉसिबिलिटीज़ को, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ओके तो सबसे पहले अगर मैं बात कर दूँ किसकी, डी की, हम जानते हैं क्या, डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है,
और जो डी के दोनों नेबर्स है वो कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। अब डी कहाँ कहाँ आ सकता है हम उसको चेक करते हैं। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? हाँ। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? नहीं करा सकता हूँ। क्या मैं डी को यहाँ पर पुट करा सकता हूँ? हाँ। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है हमारे पास, ठीक है। अगर इन केस मैंने डी को यहाँ पर फिक्स कराया, तो देखिए अगर मैं इसके अकॉर्डिंग दिखता हूँ तो आपके पास बी कहाँ पर होना चाहिए था यहाँ पर, फाइन। आपके पास अगर बी यहाँ पर हो गया, अब देखिए अगर हमें फिक्स कराना है किसको, इन दोनों को, तो इनके लिए कोई आपके पास पोजिशन खाली है? नहीं खाली है। इसका मतलब क्या है, डी आपके पास यहाँ पर तो नहीं आ सकता, ठीक है। अगर डी आपके पास यहाँ पर नहीं आएगा तो मैं एक बार डी को यहाँ पर फिक्स करा के देखता हूँ। इसकी वजह से दोनों नेबर से वो कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे ना। अगर डी आपके पास यहाँ पर है तो बी आपके पास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। देख लीजिए बी के सेकंड टू द राइट आपके पास क्या है, डी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, डी के थर्ड टू द लेफ्ट आपके पास क्या है, सी है। तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके सी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन फिर से वही चीज़, आप जी को नहीं पुट करा पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए आपके पास, आप डी को यहाँ पर नहीं फिक्स करा पाएंगे, आप डी को यहाँ पर नहीं फिक्स करा पाएंगे, आप डी को यहाँ पर नहीं फिक्स करा पाएंगे, आप डी को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, आप डी को यहाँ पर नहीं फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस बी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज़ अगर हम देखें तो आप सी और जी को यहाँ पर कहीं पर फिक्स करा सकते हैं? नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों का भी यूज़ करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो मैं इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, उससे हम बोले कि 7% जिनके नाम यहाँ पर दिए हैं आर सिटिंग इन अ रो, ओनली 3% आर फेसिंग टू द साउथ एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, उससे हमसे बोला कि आपके पास टोटल कितने 7% हैं जो कि कहाँ बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 लोग कहाँ देख रहे हैं, वो साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो बाकी के 4 लोग कहाँ देखेंगे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। उससे हमसे बोला कि अमंग ऑल, हर एक पर्सन में से आपके पास जो पर्सन साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है, उनमें से नियरेस्ट कौन है राइट एंड में, मतलब क्या इन तीनों में से राइट एंड के नियरेस्ट कौन होगा, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, देखिए उसने हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बताया कि पर्सन हु आर फेसिंग साउथ आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, वो पर्सन जो कि साउथ देख रहे हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। उसके बाद क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ टी। ओके, क्यू कहाँ पर है, क्यू सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, एस से, और एस आपके पास कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में किससे, टी से। ओके, उसके बाद टू पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी एंड बोथ आर फेसिंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, उसने कहा कि आर और वी के बीच में 2 पर्सन है जो कि कहाँ देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। एंड पी एंड क्यू आर एडजेसेंट। ओके, पी और क्यू क्या है, वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए पी आपके पास यहाँ पर है, क्यू मान लेते हैं यहाँ पर है आपके पास, क्यू यहाँ पर है, पी आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब अगर मैं फिक्स करना चाहता हूँ किसको, एस को, तो मैं एस को कहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ, एक आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एस को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है आपके पास कि पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आप एस को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ देखिएगा साउथ डायरेक्शन में, ये कहाँ देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है आपके पास क्या, कि आप कहाँ पर फिक्स करा सकते हैं किसको, एस को, आप एस को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एस को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी आपके सभी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट से हम इसके आंसर को अकेले फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकंड की अगर हम बात करते हैं, उसने बोला कि 2% सिट्स बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 2% है, ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ओके, और ये दोनों ही कहाँ देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद एस डज नॉट सिट इन द राइट ऑफ क्यू। ओके, एस राइट में नहीं है क्यू से, इसका मतलब एस कहाँ पर होगा, लेफ्ट में होगा क्यू से, ठीक है। उसके बाद ओनली 1% सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस, सिर्फ 1% है क्यू और एस के बीच में, ठीक है। बोथ द नेबर्स ऑफ पी आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जो नेबर हैं किसके, पी के, वो दोनों कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ओके, उसके बाद बोथ आर एंड यू आर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ओके, आर और यू क्या है, वो थर्ड टू द लेफ्ट है एक दूसरे से, ठीक है।
इतनी आपके पास इन्फॉर्मेशन सेकंड से दी हुई है। अब यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरीके से बना सकते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की और इस कंडीशन की, तो देखिए आपके पास किस तरीके से बन सकता है। आर आपके पास अगर यहाँ पर है, तो अगर इन केस जी का देख रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपके पास डैश डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग डैश डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास वी हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये आपके पास कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, इन दैट केस इसके थर्ड टू द लेफ्ट ना डैश डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यहाँ पर दो जोड़कर वी हो जाएगा, ठीक है। इस केस में यू कहाँ देखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। इस केस में यू कहाँ देखिएगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके साथ ही पर्सन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये देख रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो ये क्या देखिएगा, ये देखिएगा आपके पास नॉर्थ में, ये देखिएगा आपके पास नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आप कहाँ देखिएगा, ये आपके साउथ डायरेक्शन में देखिएगा, बिकॉज उसने हमसे कह रहा था यहाँ पर देखिए कि आपके ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये कहाँ देखिएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखिएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी हम और कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इन कंडीशन को यूज़ करने की, तो देखिए कहाँ पर हो सकता है। हम एक चीज़ जानते हैं, यहाँ से और यहाँ से, उसने बोला था कि क्यू के सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास एस है, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, एस के सेकेंड टू द लेफ्ट आपके पास क्या है, क्यू है। मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे होंगे, फाइन। तो इन दोनों को मैं कहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ, सिर्फ यहीं पर तो फिक्स कर सकता हूँ ना, इस कंडीशन में सिर्फ यहीं पर फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर मैंने इन केस एस को यहाँ पर पुट करा दिया, तो आपके पास मैं क्यू को पुट नहीं करा पाऊंगा। अगर मैंने एस को यहाँ पर पुट करा दिया, तो मैं क्यू को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, लेकिन क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट आपके पास एस नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं बन पाएगी। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, इन दैट केस आप एस और क्यू को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, देखिए अगर आपके पास इन केस, मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ कि यू कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, और ये देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ये देखिएगा आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन में डैश डैश वी आपके पास यहाँ पर। अगर इन केस एस यहाँ पर है, तो देखिए इसके सेकंड टू द लेफ्ट आपके पास क्यू हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये कहाँ देखिएगा, ये देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास एस यहाँ पर है, ये कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो क्यू आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये कहाँ देखिएगा, साउथ डायरेक्शन में देखिएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कहाँ देखिएगा नॉर्थ, सॉरी साउथ डायरेक्शन में, ये कहाँ देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपके पास देखिए तीन पर्सन कहाँ देख रहे थे, वो देख रहे थे साउथ में ना, यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 तीन पर्सन हो गए। सिमिलरली इसमें अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ देखिएगा आपका साउथ डायरेक्शन में देखिएगा, तो ये कहाँ देखिएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके अकॉर्डिंग भी देखें हम, हमारे पास 1 2 3 तीन पर्सन का है, जो कि कहाँ देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं फिक्स करना चाहता हूँ किसको, पी को, देखिए आपके पास पी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फाइन। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास पी कहाँ पर आएगा, पी आपके पास यहाँ पर आएगा। उसने हमसे क्या बोला था कि जो पी के दोनों नेबर्स हैं, आई मीन जो पी और एस के बीच में दोनों हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये कहाँ देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये कहाँ देख रहे हैं, देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और हम टी को यहाँ पर फिक्स करा सकते हैं, देखिए टी के इमीडिएट राइट में आपके पास क्या था, एस था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड दोनों का यूज़ करता हूँ, इन दैट केस में इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आपके पास जो नियरेस्ट पर्सन है, जो साउथ देख रहा है, देखिए साउथ देख रहा है 1 2 और 3 कौन हो जाएगा, वो टी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।